तब साथी वापस जा रहे हैं दूसरी मोटरसाइकिल लेने के लिए। हाथ में रस्सियाँ पकड़ के मजबूरी लाइन बनी हुई है, ये इसी मकसद के लिए है। सबसे आगे वो लोकल आदमी हैं, कश्मीर के फिरसान साहब हैं, फिर उसके बाद मुख्तार साहब और साहब तैयब साहब, और एक और इधर ही आजाद कश्मीर का बंदा है, आजाद कश्मीर का एक और बंदा, उसकी भी बाइक इधर फंसी हुई है, उसके रहने वाले मिलने वाले आगे रहते गए हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं कितने कितने बड़े पत्थर हैं, देखें इनके ऊपर से हमें अपनी बाइक ये लेड स्लाइडिंग के रास्ता बनाना है। चार लोग एक बाइक को मिल के खींच रहे हैं, फिर रास्ता बनता है। ये देखें ये ऊपर कहाँ तक से पत्थर ही पत्थर, रात वाली बारिश ने सारा कुछ नीचे बहा के लाया। और ये मैं हूँ फारूक, थक गए बहुत, थक गए बहुत, थक गए और बहुत ही थक गए। ये हाँ फिर से आप नज़ारा करते हैं दूसरी बाइक के इधर आने का। ये तैयब साहब ने बाइक स्टार्ट की, आगे की तरफ आना शुरू है। ज्यादा कितने दिन लगाएंगे? हाँ ये नहीं आना है। तैयब साहब बाइक चला रहे हैं, बठौंडा अटाबाट से आया, बठौंडा अगे हो यार उतार के आया। ऐसा कर रहा उस्मान साहब एक दफा फिर आ गए, कतानी के फैसले अंजाम दे रहे हैं। नहीं 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 मराठ हो जो यार व्हील आज तो वंडूफा पैसे पकड़ा हुआ है ये जैसे हैं कुर्बानी का बैल। उस्मान साहब क्या कह रहे हैं कि ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे कुर्बानी का जानवर शहर वालों से रूठ के भागता डर के, एंड बहुत ना छोड़ पानी थाली ना आ जाए। वाह वाह व्हाट अ प्रेजेंस। सबसे ज्यादा मुश्किल उस्मान साहब कर रहे हैं, फिर तैयब साहब, फिर कोरम साहब, फिर उस्मान साहब और फिर मुख्तार साहब और फिर सबसे एंड में मैं चूंगा। ज्यादा ज्यादा कह रहा पीछे से पत्थर ये मुख्तार साहब ये हुरम साहब दयाले बने में माशाल्लाह फुल फोर ये देख रहे हैं, पूरे जोर लग रहे हैं, पूरा ही जोर लग गया। ये देखें उस्मान साहब ने मुख्तार अपना मुख्तार साहब इसने उसे भी कम टाइम लिया दूसरी वाली से भी, असल में टेक्निक कुछ समझ में आ गई है इस वजह से इस दफा टाइम पहले वाली बाइक के मुकाबले में और भी कम लग जाता। करीबन एक मिनट पहले हमने लेट राइडिंग से ये गुजार दिया। ये उधर ही थे तो फिर बड़ा